जो बार बार ये आरोप लगाते थे कि मैं यूपी से आया, 200-300 लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो सबको गाली देने का काम करते हैं। राम के रास्ते पर चलने वाली कौम थी, जो चरण सिंह के रास्ते चलने वाली कौम थी, जो देवीलाल के रास्ते चलने वाली कौम थी, आज वो भिंडरावाले की तरह व्यवहार कर। 15 साल जो मैंने महत्वपूर्ण अपनी जिंदगी का समय गुजारा, उसमें भी कभी कभी मुझे एहसास होता है कि ये काम नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे काम में नहीं रहना चाहता जिसमें गुंडागर्दी, बदमाशी, चक्कू की नोक पे काम कराने वाले लोग जिस कौम में पैदा हो गए हो, डड़े मारने वाले, हत्या करने वाले लोग, उस कौम के लिए काम करने का क्या फायदा। भावुक हो रहे हैं आप? नहीं, भावुक होना निश्चित बात है। कोई आदमी 15 साल काम करे, अपना व्यापार ठप कर ले, अपने बच्चों को ना समय दे पाए, उस आदमी के लिए कौम में 200-300-400 गुंडे और बदमाश पैदा हो गए हैं जो भाड़े के टट्टू की तरह काम करते हैं। देखिए, बहुत लंबे समय तक कोरोना और किसान आंदोलन के दौरान धाम का कार्य बिल्कुल शिथिल पड़ गया था और हमारे संगठन में भी बहुत से अंतर्द्वंद पैदा हो गए थे किसान आंदोलन के दौरान, तो उसी का दोबारा से संगठन का पुनर्गठन किया राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी, क्योंकि मैं जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाह रहा था। मैंने 15 साल समाज के लिए काम किया और क्योंकि मैं से पारिवारिक संगठन नहीं बनाना चाहता था, तो उसकी जिम्मेदारी प्रताप भैया जी को दी। उन्होंने 6 महीने तैयारी की, देश भर में घूम कर संगठन का पुनर्गठन किया। यहाँ की जिम्मेदारी, यहाँ पहले मैं दोनों जगह चेयरमैन था, यहाँ की जिम्मेदारी रणधीर करोड़ता जी को जी, उन्होंने दानदाताओं से संपर्क करके जो पहली मंजिल के बाद रुक गया था उस धाम को बनाने का काम शुरुआत किया और बड़े उत्साह के साथ लोगों ने, आज यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। ये लगभग 2.5 साल के बाद कोई जाट समाज की आरक्षण की और जाट सेवा संघ की मीटिंग थी, तो आप सब साथियों ने भी पिछले 20-25 दिन में जो भी सहयोग आपसे मांगा, सभी पत्रकारों ने, वो भी सहयोग हमें मिलता रहा। और इस बीच में 2-3 दिन में पिछले जो मतभेद आए थे उनका भी रात निराकरण हो गया, तो इसलिए आज का कार्यक्रम सफल रहा और आप सभी साथियों ने उसमें जो मदद की उसके लिए धन्यवाद। उठाना पड़ा, जो गेस्ट आने थे वो नहीं आ पाए। गेस्ट मलिक साहब तो रियल में बीमार थे, लेकिन बीरेंद्र जी और उनसे मेरी सुबह बात भी हुई थी, वे आने को कह रहे थे कि 2 हमें बच जाएंगे, पता नहीं क्यों नहीं आए। हो सकता है वो भी नुकसान हो, क्योंकि कोई भी राजनीतिक आदमी सोचता है कि मैं विवाद और बेइज्जती की जगह क्यों जाऊं। हर आदमी को, क्योंकि हरियाणा की जो आदत बन चुकी, बाइकाट की आदत, बेइज्जती करने की आदत, कुछ लोग हैं जो इसी काम पर लग गए हैं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता है कि उनकी समझ का राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, दल का नेता नहीं आएगा तो वे उसका विरोध करें। यहाँ मुख्यमंत्री का भी, प्रधानमंत्री को भी, हरियाणा में 200-300 लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो सबको गाली देने का काम करते हैं। सोशल मीडिया पर जाकर माइक अड़ाओगे, माँ बहन करने का काम करेंगे, यहीं के राजनीतिक दलों का भी विरोध करेंगे। यहाँ के राजनीतिक दल के बड़े नेता जिनकी वजह से पिछले 50-100 साल में किसानों का भला हुआ, उनका भी विरोध करने का काम करते हैं। तो एक बड़ी परिस्थिति हरियाणा में पैदा हो रही है, विरोध की नीति को निजी विरोध और बदले की भावनाओं में लिया जा रहा है। और मैं इस संगठन को छोड़ते टाइम मैंने ये वादा किया इन लोगों को, भाई मेरी जरूरत होगी तो मैं आऊँगा, लेकिन मैं अपना कार्यकाल पूरा कर चुका और जब भी ये बुलाएंगे मैं अजय सैनिक के रूप में इनके काम आ सकता हूँ। लेकिन मुझे भी ये बड़ा दुख है कि जो छोटू राम के रास्ते पर चलने वाली कौम थी, जो चरण सिंह के रास्ते चलने वाली कौम थी, जो देवीलाल के रास्ते चलने वाली कौम थी, आज वो भिंडरावाले की तरह व्यवहार कर रही है, तो मुझे भी इस चीज़ का बड़ा दुख रहा। और अपने 15 साल जो मैंने महत्वपूर्ण अपनी जिंदगी का समय गुजारा, उसमें भी कभी कभी मुझे एहसास होता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये निर्णय लिया और आगे की कार्यकारिणी को मैं अच्छी तरह से जो मेरे से गाइड करेंगे उसे करता रहूँगा। सक्रिय भागीदारी नहीं रहेगी अब आपकी? नहीं, भागीदारी मुझे अजय आम किसान आम जा भागीदारी रखूँगा, मेरे से कोई सलाह लेंगे उसकी सलाह दूंगा, क्योंकि मैं ऐसे काम में नहीं रहना चाहता जिसमें गुंडागर्दी, बदमाशी, चक्कू की नोक पे काम कराने वाले लोग जिस कौम में पैदा हो गए हो, डड़े मारने वाले, हत्या करने वाले लोग, उस कौम के लिए काम करने का क्या फायदा। भावुक हो रहे हैं आप? नहीं, भावुक होना निश्चित बात है।
व्यवहारिक परिवार कोई आदमी 15 साल काम करे, अपना व्यापार ठप कर लो, अपने बच्चों को ना समय दे पाए, उस आदमी के लिए भी, उन नेताओं के लिए, चौधरी छोटराम के औलाद के लिए, उनके परिवार के लिए, देवीलाल के परिवार के लिए, चरण सिंह के परिवार के लिए, ये तमाम ऐसे काम है, ये मेरे लिए नहीं है। ये दुर्भाग्य है आज इस कौम का, जो आदमी इनके लिए रिजाइन करता है उस आदमी के साथ भी खड़े नहीं होते, जो आदमी इनकी भाषा बोलता है उनके साथ भी खड़े नहीं होते, जो आदमी सरकार से इनके लिए लड़ाई लड़ता है, राजनीतिक आदमी, उसको भी ये क्या मानते हैं। तो ऐसे कोई, ये कौम ऐसी नहीं है, इस कौम में 200, 300, 400 गुंडे और बदमाश पैदा हो गए हैं जो भाड़े के टट्टू की तरह काम करते हैं। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि इस कार्यक्रम को मैं हरियाणा के लोगों को सौंपूं, जो बार बार ये आरोप लगाते थे कि मैं यूपी से आया। हालांकि इस आंदोलन में हरियाणा के अध्यक्ष ने निर्णय लिए, हरियाणा के लोगों ने निर्णय लिए, हरियाणा के लोगों ने सारे समझौते किए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, आज हरियाणा का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। यहाँ के लोग जब हिसार में कोई हत्या होती है, आंदोलन में शहीद होता है, रोहतक झज्जर सोनीपत का कोई आदमी उसकी मदद करने नहीं जाता। 2010, 2011, 2012 वहां के लोगों पर केस दर्ज होते हैं तो यहां का कोई आदमी नहीं जाता, लेकिन जब यहाँ के लोगों पर केस दर्ज होते हैं तो उसको हवा में उछाला जाता है, उस पर जिस तरह की दादागिरी गंदगी यहाँ पैदा की जाती है, मैं उससे शुद्ध हूँ। कौन है इसके पीछे? इसके पीछे राजनीतिक लोग हैं जो समाज की एकता को भंग करना चाहते हैं, केवल अपनी पारिवारिक एकता को जिंदा रखना चाहते हैं। मलिक साहब, कल किन लोगों ने के साथ समझौता हुआ यहाँ का? नहीं, समझौता हुआ, सामाजिक समझौता है, उनकी मांग है, नई कार्यकारिणी आ गई है, वो बैठ कर नहीं ना करे। अब जो छोटूराम धाम पूरे देश के लिए बना, उसको ये गांव में समेट लो और जिले में समेट लो, ये इनकी मर्जी है। मैंने जिसकी नींव रखी थी, मैं उस कॉलेज में पढ़ा जिसकी नींव 1924 में चौधरी छोटूराम ने रखी थी, मैं उस कॉलेज में पढ़ा, 10+2 मैंने वहाँ से पास। तो मुझे ये था कि जो कौम गौशाला धर्मशाला पर और राजनीतिक चरणों में पहुँच गई है, क्या वो छोटूराम को मानेगी? इसलिए मैंने इसका नाम भी छोटूराम धाम दिया कि एक श्रद्धा देश में उत्पन्न हो। उनके अनुयायी तमाम आज जम्मू कश्मीर से लोग आए हुए, आज पंजाब से लोग आए हुए, आज मध्य प्रदेश से लोग आए हुए, और ये यहाँ धमकियां देते हैं, बंद कर देंगे, होने नहीं देंगे कार्यक्रम। किस तरह की राजनीति चल रही है? लोगों किस चीज से ऐतराज था यहाँ? नहीं, पता नहीं किस चीज से ऐतराज है। निजी एजेंडा है सबका, अपना एजेंडा है। इसको 6 महीने बाद सब एजेंडों का खुलासा करूंगा, किताब भी लिखूंगा, किताब लिखूंगा, राजनीतिक लोगों को के सामने उनके चरित्र बताऊंगा कि उन्होंने इस कौम के साथ क्या किया, और जिन्होंने भला किया उन राजनीतिक लोगों का धन्यवाद भी करूंगा। क्योंकि अगर मैं अब किसी का धन्यवाद करता तो कहते उससे खरीदा गया होगा, उससे बिका होगा। इस आंदोलन में राजनीतिक लोगों ने मदद भी की, इस आंदोलन में राजनीतिक लोगों ने टांग भी खींची। 2011 का आरक्षण 2014 में कौन जिम्मेदार था? केंद्र सरकार के साथ समझौता हो गया 11 में, 6 महीने में कानून चेंज हो गया और आरक्षण 2014 में मिला, हमारे ही नेता जिम्मेदार थे। आरोप ये लग रहे हैं कि जिस काम के लिए पैसा इकट्ठा हुआ उस पे लगाया नहीं गया। किस काम के लिए पैसा इकट्ठा हुआ? पैसा इकट्ठा हुआ धरनों पे खाने के लिए, उस पैसे में से आधे से ज्यादा पैसा शहीदों को, घायलों को और जेल में रहने वालों को दिया गया। हर जिले का रिकॉर्ड है, हर जिले में वकीलों ने फ्री मदद करी, रिकॉर्ड है। उसके बाद जो भी पैसा यहाँ धाम में आया 12 से 13 करोड़, वो कमरे का दान बोल के गए हैं, वो 21,000 दे के गए हैं, वो आरक्षण के लिए इकट्ठा हो रहा, वो छोटूराम धाम बनाने के लिए इकट्ठा हो रहा। जो पैसा यहाँ आरक्षण के चंदे से आया वो लगभग 1,50,00,000 है, लगभग। जो आदमी 21,000 रुपए की रसीद यहाँ निर्माण के लिए कटवा के गया, कमरे का दान दे के गया, उसका नाम कमरे पे नहीं लिखेंगे? पैसा किस काम के लिए इकट्ठा हुआ? आज यहाँ जो आपके सामने पैसा बोला, किस काम के लिए बोला? क्या ये आंदोलन के लिए बोला? कल को आरक्षण की मीटिंग में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? एक पैसा भी आरक्षण के लिए इसमें से इस्तेमाल, उसके लिए अलग चीज करेंगे। अभी मैं पद से मुक्त हुआ हूँ, मैं रिलीव कर लूँ, घूम लूँ, अपने कौम में जा लूँ, अपने घर बैठ लूँ, आराम कर लूँ, फोन और आरक्षण से 6 महीने दूर रह लूँ,
उसके बाद दर दर भाई रोहतक के दंगों पर कितने देर बाद किताब आई भाई धीरेन्द्र की। लेकिन सच है, सच कहने का भी समय होता है, हो सकता है चुनाव के टाइम पर सच खुले। मेरे सामने नेता देश के बैठ के बात करें, उन्होंने इस कौम के लिए क्या किया, यशपाल मलिक ने क्या किया। मेरी प्रॉपर्टी 2066, मैं आज कहाँ हूँ, मेरी बैलेंस शीट चेक करें, और नेताओं की बैलेंस शीट जिन्होंने इस कौम को बेचा उनकी कहाँ है उसको चेक करें। मैं खुले तौर पर कहता हूँ, मैंने सब कुछ अपने घर से खोया, सब कुछ, अपने बच्चों का समय खोया। सर सर, जो लोग आपके साथ थे वो आज यहाँ पर नहीं थे, उनको क्या कहना चाहेंगे? साथ कौन नहीं था और कौन है? मैंने ये यात्रा 2006 में शुरू की, 2009 में छोड़ के चले गए लोग, आज राजनीतिक दलों के टिकट मांग रहे। 2010 में छोड़ के चले गए, जब पानी रुका आधे छोड़ गए, क्यों सरकार? 2011 में रेल रुकी, यहीं के हरियाणा के लोग छोड़ के चले गए, नहरी संघर्ष समिति बना ली। 12 में रुकी, 12 में रेल रुकी, 12 में नहरी संघर्ष समिति बन गई। 16-17 में आंदोलन, 16 का आंदोलन मेरे नाम मर दिया गया, झूठा आंदोलन मेरे नाम मर दिया गया। कल मैंने कहा रात यहां मैं था, जिन लोगों ने आंदोलन किया उन्हीं लोगों पर मुकदमे हैं। कुछ मलाल है सर? किसका मलाल है? कौम में झूठ बोलने का मलाल है कि आदमी सरेआम पब्लिक में झूठ बोलता है, इस चीज का मलाल है। कसम खा के झूठ बोलता है, इस चीज का मलाल है। जाट आरक्षण क्या क्या? जाट आरक्षण की रणनीति जो है ये अभी करेंगे घोषणा, कार्यकारिणी अधिकृत होगी, वो विज साहब से मिली थी। विज साहब ने 19 तारीख को कोर्ट में रखने का आश्वासन दिया था, और सरकार से निरंतर बात करनी पड़ेगी। आज किसान क्यों जा रहे बॉर्डर पे? इसलिए जा रहे कि सरकार बात करे। अगर सरकार से बात नहीं करेंगे, लठों से कोई मांग पूरी नहीं होगी। 2016 में जो हुआ उसका फैसला भी 21 में इन्हीं लोगों ने किया, यशपाल मलिक नहीं था। आज उनको पकड़ के नहीं ला रही है जिन्होंने 16 का फैसला किया था। 17 के फैसले में तो नौकरी मिली, शहीदों को सम्मान मिला, घायलों को पैसा मिला, 2000 के करीब केस वापसी हुए 17 के फैसले का। हाथी निकल गया, पूंछ दबी रहेगी, उस पूंछ पर गालियां दे रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, फिर भी वापस बार बार आ रहे हैं आप। मैं इसलिए आ रहा कि मेरा, मैंने ये काम शुरू किया, अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय खोया। मैं इसलिए आ रहा कि मैंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण, जो लोग गरीब है, जो लोग जाट समाज के जरूरतमंद है, मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहा। इन गुंडे बदमाशों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहा जो अपनी आवाज कहीं जाकर नहीं बोल सकते। मेरी लड़ाई उनके खिलाफ, उनके लिए। एसबीसी के कैंडिडेट है, इस हरियाणा में कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ईबीसी की ज्वाइनिंग होगी, एक ही साथ दो आरक्षण मिले, एसबीसी की ज्वाइनिंग नहीं, हम सारे नेताओं से मिल लिए, कुछ जाट नेता बोलने को तैयार नहीं। अगर आपकी नीयत इतनी साफ है तो इतने सारे इल्जाम किस लिए हैं भैया? इल्जाम तो नीयत साफ पे ही तो लगेंगे, नीयत बेईमान पे कौन इल्जाम लगा रहा? आज छोटू राम जी ने क्या कहा था कि जिस दिन अखबार मेरे खिलाफ लिखना शुरू कर दे, जिस दिन लोग चुप बैठ जाए, समझना मैं भ्रष्ट हो गया। आज छापे किसके पड़ रहे जो सरकार की मदद नहीं करेगा? आज मेरे ऊपर हमला क्यों हो रहा? मुख्यमंत्री ने खुलेआम 200 लोगों के बीच में कहा कि समान में आपके ऊपर जो हमला कराया था उसको लेकर 3 जाट नेता आए थे मेरे पास। बताओ क्या नाम लूं मैं आपको? मुख्यमंत्री ने 200 आदमी हरियाणा के बीच में कहा। ठीक है।